1 जुलाई से देश में लागू हो रहे नए कानून के जागरूकता को लेकर आज पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम धनबाद के SSL&T कॉलेज में आयोजित किया गया। कॉलेज की छात्राओं को इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नए कानून के तहत यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, घरेलू हिंसा के बचाव, नशा मुक्ति समेत कानून के विविध प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। इस पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे DSP मुख्यालय 2 संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि नए कानून में महिलाओं बच्चों के हित के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी जानकारी उन्हें होनी ज़रूरी है और इसी उद्देश्य को लेकर कॉलेजों में इस तरह के पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है और धीरे धीरे यह जागरूकता कार्यक्रम सभी कॉलेजों में चलाया जाएगा। कॉलेज की प्राचार्य शर्मिला रानी ने पुलिस प्रशासन के इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। पुलिस की पाठशाला मैं सर्वप्रथम यहाँ के जो DSP साहब हैं गुप्ता जी और जो धनबाद थाना से जो थाना के अध्यक्ष आए हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो जानकारियाँ दी हैं, जो नई जो सरकार ने हमारे लिए जो न्याय के लिए जो IPC को बदल करके BNS का उन्होंने लगाया है, उसके लिए जो प्रयास उन्होंने किया है हमारी छात्राओं के साथ में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने शेयर किया। खास करके जो भारतीय न्याय संहिता में हमारी लड़कियों के लिए था, हमारी छात्राओं के लिए था, उससे उन्होंने रूबरू करवाया। जैसा कि लोग जानते हैं कि जो पहले IPC 511 था नंबर, अब उसको घटा करके मात्र 358 कर दिया गया है, तो बहुत ही छोटा नहीं हुआ है, उसका जो रूप है वो छोटा किया गया है, उसमें जो चीज़ें उतनी ही समाहित हैं। तो जो हमारे साथ में सर ने जो आज हम लोगों के साथ में जो बच्चों के साथ में शेयर किया है, ये पाठशाला तीसरा है ये हम लोगों के साथ में। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हमारे जो थाने से जो हैं हमारे सहयोगी हैं या हमारे उच्च अधिकारी लोग हैं हमारे महाविद्यालय में आए और हमारी छात्राओं को नए नए जो भी कानून आते हैं उससे अवगत कराएँ, ताकि किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो गली मोहल्ले में और किस तरह का उनके साथ में अन्याय होता है तो वो बच्चे हमारे मुखर हो करके अपनी इन बातों को अपने परिवार के साथ में हमारे कॉलेज में मेंटर मेंटी का भी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, वहाँ पर इस बात को रखें और इन सभी बातों को हम लोग गुप्त रखते हैं और कभी भी इसको हम उजागर नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो कार्यक्रम है हमेशा होना चाहिए और हम इस तरह से हमारे यहाँ से गुजारिश भी करेंगे कि हमेशा इस तरह का कार्यक्रम यहाँ हो। धन्यवाद। 1 जुलाई से हमारे देश में नया कानून लागू होने जा रहा है, तो इस नए कानून में हमारी महिलाओं को, बच्चियों को क्या नया इस कानून में जोड़ा गया है प्रावधान जो उनकी सहायता के लिए है, उनके हित के लिए है, इसके संबंध में उनको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसी सब बातों को लेकर के हम लोग नए कानून के बारे में कि उनको क्या प्रोविजन दिया गया है उसको बताने के लिए हम लोग अभी इस कॉलेज में आए हुए थे और महिलाओं बच्चियों से हम लोगों ने बातें किया। बिल्कुल होगा और ये केवल पहला प्रयास है, हम लोग लगातार इसी प्रकार का सेमिनार वर्कशॉप आयोजित करते रहेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पुलिस और जो नागरिकों के बीच का जो दूरी है वो थोड़ा सा घटे और उनके साथ जो भी समस्याएं आ रही हैं वो हम लोग के साथ शेयर करें और हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग जितना जल्दी से हो सके उनको सहायता करें, उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। हाँ, अभी निकट भविष्य में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सभी थानों में होंगे, सभी क्षेत्रों में, गांवों में, सभी जगह पे होंगे। इस प्रकार बच्चों में भी जी सभी जगह पे होंगे।